राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत कलेक्ट्रेट सभागार में वाटरफॉल, राहतगढ़ बस स्टैंड और बीना परियोजना के संबंध में समीक्षा बैठक लेने के लिए पहुंचे। निर्माण की धीमी गति को लेकर राजस्व एवं परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए फटकार भी लगाई। समय पर कार्य करने के लिए अधिकारियों को नसीहत दी। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि राहतगढ़ का वाटरफॉल जल्द ही प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल होगा। मरिया डैम परियोजना है, बीना परियोजना और चक्र परियोजना, इनकी विस्थापितों के लिए जगह दी जाए, टाइम से उनका मुआवजा दी जाए, इस संबंध में चर्चा हुई है। और राहतगढ़ वाटरफॉल जो हमारी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, राहतगढ़ वाटरफॉल के लिए कैसे सौंदर्यीकरण किया जाए, उस पर काम तो चल रहा है और जल्दी से जल्दी काम हो सके, इस बारे में मीटिंग में कल सात चर्चा हुई, पूरे अधिकारी बुलाए थे। और राहतगढ़ में सुर्खी विधानसभा में जो हमारा बस स्टैंड और जो अन्य योजनाएं हैं उन संबंध में चर्चा हुई है और जल्दी से जल्दी एक टाइम लिमिट फिक्स किया गया है, टाइम लिमिट के अंदर ये सारे काम शुरू किए।